जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी एविडेंस पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीआईटीएस या फिर जिसे आप सीटीआई के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्म इस साल कब आने वाला है। कहने का तात्पर्य है 2023-24 का जो फॉर्म है वो कब आ जाएगा, और बाकी चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर सके हैं 2022 वाला जो अभी करंट प्रिवेलिंग सेशन है, या फिर आप जो है पास आउट हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, इन सभी चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे, देखिए इसको जो हम लोग क्या दूसरे नाम से जानते हैं, ये इसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो CITS का जो फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के नाम से ही जाना जाता है, या फिर आप इसे CTI भी कहते हैं। देखिए, अब ये जो है कोर्स, ये आपका डीजीटी मैनेज करती है। जैसे कि ITI कोर्स को डीजीटी मैनेज करती है, गवर्न करती है, उसी तरह से इसे भी डीजीटी ही करती है। और दोनों का बोर्ड, ITI हो या फिर CITS, दोनों का बोर्ड क्या है, NCVT बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। बात करेंगे कि फॉर्म को, तो अगर मैं आपको लास्ट ईयर का जो ये प्रोस्पेक्टस था अगर उसको मैं दिखाऊंगा, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि फॉर्म फिलअप होता है, वो जो स्टार्ट हुआ था वो 6/6 से स्टार्ट हुआ था। मतलब कि जून मंथ से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए थे ऑनलाइन होने, और 25 तक फॉर्म भरने के लास्ट डेट थे। मतलब कि बहुत ही कम समय का इसमें ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो महज 20 दिन का यहाँ टाइम दिया जाता है। तो आपको इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये आपके जो है इससे निकल नहीं जाए, ठीक है। आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिए, बाय मिस्टेक अगर नहीं कर सके हैं इस बार, पिछले बार, तो इसके लिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप लोगों को ध्यान रखना, बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है, कब आता है चल जाता है पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पिछले बैच का मैं कहूँ, पिछले साल 2022 जो आपका बैच था उसका तो जून में आया था, और इन लोगों का जो सेशन है ये भी देखिए तो मई 2023 में खत्म हो जाएगा। तो जब तक इन लोगों का सेशन खत्म नहीं होगा, तब तक तो आप लोगों का सेशन शुरू होगा नहीं। मतलब मेरा कहने का है 2023-24 सेशन के लिए, तो मई में इन लोगों का खत्म हो रहा है, जून में पिछले साल भी आया था, और इस साल भी जून में ही दे दिया जाएगा, आप लोगों के फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है आप लोग कब आने वाले हैं, ये हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में। देखिए सारे टेंटेटिव डेट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई 100% सियोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ टेंटेटिव डेट्स हैं, इसी डेट में होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट डेट जो है फॉर्म जो अप्लाई होने का, वो भी आपका जून मंथ में ही खत्म होगा, फॉर्म फिलअप का सारा प्रोसेस। उस बाद देखिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आप देख पाओगे AICET, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका जुलाई मंथ में होगा, मतलब जस्ट अगले मंथ में। अगर आप इस वाले में भी देखिएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिएगा, तो हुआ था इन लोगों का जो कि 17 को हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था, और एग्जाम टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ तो सिचुएशन नॉर्मल है, कोविड तोविड का कोई चक्कर नहीं है इस बार, नहीं तो इसके पहले वाले बैचेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बहुत सेशन डिले हुआ था, लेकिन अभी सेशन को कंटिन्यू सही टाइम पर किया जा रहा है। तो जुलाई में आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है इसी जुलाई एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले ही मॉक टेस्ट जो है आप लोग दे पाइएगा, पैटर्न वगैरह पता चल जाएगा जुलाई मंथ में ही, हॉल टिकट वगैरह सब आपको जुलाई में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करेंगे, तो ये रिजल्ट देखिए जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोगों का होगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट जारी हो जाएगा, जो AICET जो एग्जाम दीजिएगा, ये जुलाई में एग्जाम होगा, और जुलाई से अगस्त के बीच आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो काउंसलिंग होता है इसमें, देखिए 3-4 फेज में काउंसलिंग होता है अलग अलग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फिर जो है मॉपअप राउंड्स होते हैं, स्पॉट एडमिशन होता है, ये सभी जो है आप लोगों का अगस्त मंथ में करवाया जाएगा, ठीक है। ये सभी अगस्त मंथ में, मान के रखिए अगस्त से सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक चलेगा, हो गया बात। और जो सेशन है, सेशन भी आप लोगों के सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इसको कौन फॉर्म भर सकता है, CTI एडमिशन 2023 के लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। देखिए जो भी ITI किया हुआ बंदा है वो फॉर्म को भर सकता है, या फिर जिसने डिप्लोमा किया है वो भी फॉर्म को भर सकता है, और जिसने डिग्री BTEC वगैरह किया है वो भी फॉर्म को आराम से फॉर्म फिलअप कर सकता है। फीस की बात करेंगे तो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये लगता है, और यहाँ पे ST SC हो जाए या फिर PH कैंडिडेट या फिर EWS वुमेन्स कैटेगरी, इन सभी को 300 रुपये लगता है, ठीक है। आप जो है ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो मिनिमम तो 14 साल रखा गया है, लेकिन अपर एज लिमिट कोई नहीं रखा है, क्योंकि एक प्रकार का ट्रेनिंग है, इसलिए ट्रेनिंग का कोई एज नहीं होता, तो यहाँ पे भी एज नहीं रखा गया। अब देखिए यहाँ पैटर्न की बात करेंगे, जो आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका पैटर्न क्या है। देखिए 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, CVT के माध्यम से होता है,
ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बनते हैं इसके, मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ सेंटर्स भी है इसमें, आपको देखिए 75% जो है, मतलब 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आईटीआई का जो भी ट्रेड आप चूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन चूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा आईटीआई लेवल का। डिप्लोमा के भी छात्र हैं या फिर बीटेक के भी छात्र हैं तो आपको आईटीआई लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया तो आप फिटर वेल्डर ये सब ट्रेड ले सकते हैं, तो उसमें आपको आईटीआई लेवल का ही पढ़ के जाना होगा एंट्रेंस देने के लिए। तो 75 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 25 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग से। चलिए अब सीआईटीएस के जो एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर्स की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है लगभग 28 सेंटर तो इस बार के थे, अब इसमें कुछ जोड़ा जाता है, इस बार तो अपडेट किया जाएगा आपको चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे अगरतला है, जोधपुर है, इलाहाबाद है, फिर जो कि प्रयागराज है, फिर कानपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, लुधियाना, कालीकट, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, देहरादून, पानीपत, गोवा, पटना, हल्द्वानी, राजपुरा, फिर हैदराबाद, शिमला, इंदौर, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, त्रिची, जमशेदपुर, जम्मू, तूरा, वडोदरा, और फिर यहाँ पे बेंगलुरु। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम AICET जो कट ऑफ रखा जाता है, ये आपको लाना ही लाना है, तभी आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिएगा। वो 100 मार्क्स में देखिए आपको 33 जनरल में, OBC में 29, EWS का भी 29, और STSC PH का 20 नंबर, इतना मिनिमम कट ऑफ है, इसको आपको ऑब्टेन करना है तभी आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाइएगा, और नहीं तो फिर नहीं हो पाता। और इस पर कट ऑफ वीडियोस भी हमने दिया हुआ है चैनल पे, बहुत सारे आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए अभी मैं लिंक दे दूंगा सबका डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात की आपको ऑल इंडिया जो है टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये सिर्फ देखिए CITS का जो है ऑल इंडिया ग्रुप है, जो कि हमारा ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। 1,550 प्लस बच्चे हैं इसमें जुड़े हुए, सिर्फ पिछले सेशन के हैं, और इस बार जुड़िए आप लोग भी, ताकि इसमें जितनी भी नोटिफिकेशन है सभी इसमें आप लोग को मिल पाए। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। और ये पूरा देखिए प्लेलिस्ट है, जहाँ के जितने भी पिछले साल के काउंसलिंग वगैरह हुए हैं सभी का प्रॉपर वीडियो आपको यहाँ पे लगभग 231 वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं तो इस वीडियो को आप ढूंढ करके आप उसको चेकआउट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक आप लोग को मिल जाएगा। अब आइए हम लोग आगे की बात कर लें, तो अगर यहाँ मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मिनिमम कट ऑफ इतना लाना ही पड़ता है, उसके बाद देखिए तो काउंसलिंग फी, जब काउंसलिंग आपका होगा उसमें 1,000 रुपया आपको काउंसलिंग के रूप में देना पड़ रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पैसा वापस नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो 1,000 रुपये आपका फीस में, जब आप फॉर्म, जब आप एडमिशन लेने जाइएगा कॉलेज, वहाँ पे आपका फीस में 1,000 रुपये एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए काउंसलिंग की बात करेंगे तो काउंसलिंग जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट फेज तो होता ही होता है, सेकंड फेज, थर्ड फेज होता है, और स्पॉट काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, फिर ओपन काउंसलिंग में बहुत, 4-5 बार तो 5-6 काउंसलिंग हुआ था, तो सीट नहीं फिल होने के कारण। तो चलिए और एक बात बता देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के बिना आप यहाँ पे NSTI या ITOT कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब कि CITS आप नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही देना है, और आपको फॉर्म बिना भरे, आप बिना एंट्रेंस दिए, बिना फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जैसे ITI में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है ना, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे आपको AICET एग्जाम देना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका ना ITOTs में होगा ना ही NSTI में होगा। NSTI ITOTs क्या है, कॉलेज है जहाँ की CITS की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी जो दी गई है आपको समझ में आई होगी। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर जो भी अपडेट्स आती रहेगी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।